ऐसा मामला है कि जिसके अंदर इंसान का ईमान ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इस तरह से आज के दौर में फितने की इतनी फॉर्म्स हैं कि उससे मतलब कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि बेशक आज का ही दौर वो दौर हो सकता है कि जिसमें इंसान शाम को मोमिन, सुबह को काफिर, सुबह को मोमिन, शाम को काफिर। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है अवैस भाई कि एक हदीस पाक अक्सर नज़र से गुजरती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे नहीं याद, लेकिन उसका मफहूम ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एक आदमी सुबह को मोमिन तो शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। तो इस हदीस पाक को लेकर अक्सर दिमाग में ये बात आती है कि ये किस किस्म की, यानी कि हदीस पाक इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी क्या मुराद थी कि ये कैसा वक्त होगा कि ये सुबह को मोमिन शाम को काफिर और शाम को मोमिन सुबह को काफिर। तो इस हदीस पाक के मुतल्लिक आपकी क्या राय है कि हम किस तरीके से इससे यानी कि सही रास्ते पर रह सकते हैं और इस कंडीशन से हम बच सकते हैं कि हम ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं। बहुत शुक्रिया तौसीफ़, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के फितनों से। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, ऐसी हदीस मौजूद है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे नाजुक और परेशान कुन बात यह है कि एक शख्स शाम को मोमिन सुबह को काफिर है और सुबह को मोमिन शाम को काफिर है, तो इससे मुराद कोई ऐसी चीज़ है कि जो इतनी सॉफ्टली आपका ईमान ले उड़ेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी जानबूझ के लोग ऐसे नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उनका ईमान ज़ाया हो जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और बात बड़ी परेशान कौन और ख़तरनाक है। मेरी समझ के मुताबिक ये वही दज्जाल के पहले 3 दिन हैं जो सिस्टम्स की फॉर्म में आएंगे या आ चुके हैं, कि उनके अंदर बंदे का ईमान चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पर आज के दौर में वो टूल्स अवेलेबल हैं ईमान को सल्ब करने के हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब आप कोई सुपर हीरोज़ की मूवी देखें जिसमें गॉडली पावर्स नौज़ुबिल्लाह दिखाई जाती हैं सुपर हीरोज़ की, कि वो नौज़ुबिल्लाह खुदा की तरह बारिश को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी मौत को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को रिसरेक्ट कर रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, ये आराम सा वर्ड है मूवीज़ में, और आप उसको देख के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं सॉफ्टली। आप उसको बिलीव चाहे नहीं करते, आपको पता है कि अल्लाह ही कर सकता है दुनिया में, लेकिन वो जो फिल्म की दुनिया है वो भी एक जहान है। जब आप उसके अंदर होते हैं तो आप उसको बिलीव कर रहे होते हैं, उसके साथ गेट अलॉन्ग प्ले अलॉन्ग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में तो आप उसको उस तरह से डिनाई और डिफाई नहीं कर रहे होते जिस तरह आप रियल लाइफ में, अगर आपको नऊज़ुबिल्लाह कोई कहे कि ये गॉडली पावर्स किसी के पास है तो आप डिफाई करेंगे, तो वो भी एक कैफियत होती है शिर्क की और अल्लाह ताला की ज़ात के इनकार की नऊज़ुबिल्लाह एक फॉर्म होती है। तो इसलिए इसी तरह ख़ासकर ये जो आपको मूवीज़ मिलती हैं बुत परस्तों की, उनके अंदर तो वो अल्फाज में रिपीट नहीं कर सकता, आपको मालूम है कि मूवीज़ में वो अपने बुतों की पूजा पाठ के अल्फाज उन्होंने डाले हुए होते हैं, तो वो पूजा पाठ के अल्फाज हमारा गली गली में बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो शिर्क की बात कर रहा है। तो ये भी एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर इंसान का ईमान ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इस तरह से आज के दौर में फितने की इतनी फॉर्म्स हैं कि उससे मतलब कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि बेशक आज का ही दौर वो दौर हो सकता है कि जिसमें इंसान शाम को मोमिन, सुबह को काफिर, सुबह को मोमिन, शाम को काफिर। आज के दौर में देख रहे हैं हम सब का ईमान, अल्लाह माफ़ करे, हमारे में से लोगों का जा रहा है ईमान और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा। सूद क्या है? हर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम सबके घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने बड़े मज़े से, पता है कि इंटरेस्ट बेस्ड लोन है
लेकिन बैंक में पैसे रखवाए मैं मुनाफे के नाम पे, रखवाए कि नहीं? मुनाफा भी क्या मिल रहा है, 2%, 3%, 5%। सबको पता है कि गाड़ी सूद की है, बैंक की गाड़ी जायज़ नहीं है, ली हुई है कि नहीं ली हुई? अल्लाह उसके रसूल से के जंग करने वाली चीज़ को अगर आप इतनी आसानी से बगैर कुछ बुरा समझे आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या वो ईमान का ज़िया नहीं है? तो और कैसे ईमान ज़ाया होगा? ये कुफर नहीं है तो और कैसे कुफर होगा? और ये तो एक मिसाल है, शराब लोगों के पास आराम से एक्सेस है आज के दौर में, चाहे मुसलमान दौर में रहता हो, मुसलमान मुल्क में रहता हो या गैर मुस्लिम। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो गुनाह कबायर हैं उनके अंदर इंसान और मुसलमान ऐसे मुबतला हैं कि वो उनको बुरा समझ ही नहीं रहे। तो जो कबायर के अंदर कंटिन्यूसली मुबतला है उसका ईमान कहाँ बाकी रह गया? तो अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। और ये फितने वो हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसे आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने की ऊंची इमारतों में से किसी के ऊपर खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया कि क्या तुम भी वही देखते हो जो मैं देख रहा हूँ? साहबा ने फरमाया, साहबा ने जब इस्तफसार फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे घरों के ऊपर बारिश के कतरों की तरह फितने बरसते हुए देखता हूँ। अल्लाह ताला हमें उन फितनों से महफूज फरमाए। और इन फितनों के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये भी फरमाया कि इसमें जो लेटा होगा, जो सोया होगा वो जागे से बेहतर होगा, जो जागा होगा वो बैठे से बेहतर होगा, जो बैठा होगा वो खड़े से बेहतर होगा, जो खड़ा होगा वो चलने वाले से बेहतर होगा, जो चल रहा होगा वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। यानी जो जितना आगे बढ़ेगा वो उसमें इतना ही मुबतला होगा। ये मैंने आपको 2-3 हदीस मिला के मफहूम बताया, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये इस किस्म के फितनों के दौर हैं जिनके अंदर हम रह रहे हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि हम उन फितनों के दौर में रह रहे हैं और हमारा, आपका, हम सबका ईमान ज़ाया हो रहा है। और इसकी मज़ीद वर्स फॉर्म आ रही हैं हमारे पाकिस्तान में, तो शायद आपको इतना ज़्यादा महसूस ना हो, लेकिन अरब ममालिक में और बाकी मुस्लिम ममालिक में लोग मुल्हिद होने लग गए हैं, दीन को छोड़ने लग गए हैं और कबायर के अंदर मुबतला हो होकर उनके अंदर से अल्लाह का खौफ ही जाता रहा है। और जब अल्लाह का खौफ ही जाता रहा है तो फिर उनके अंदर से अल्लाह की जो ज़ात की मौजूदगी है और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है वही जाता रहा है और वह कुफर की फॉर्म बनती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको तमाम फितनों से महफूज रखे और ईमान पर कायम रखे और सादत की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए। और मैं अपने लिए तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा हिनी सईदा व अमितनी शहीदा, कि अल्लाह मुझे सादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो मुसलमान बन के, मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जब हमारी मौत आए तो ईमान के ऊपर आए।